अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स आप जो घर में एक्स्ट्रा स्लाइस बच जाते हैं उनसे भी बना सकते हैं, और ये जो सॉफ्ट है स्लाइस आप उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत है। व्यूअर्स, अगर आप इनको हमने फ्राई करना है चॉप करने के बाद, अगर आपने बाद में फ्राई करना है तो चॉप करने के बाद आप फ्राई कर सकते हैं, अगर पहले कर आपने करना है तो ये स्लाइस जो है वो पहले हल्की आंच पे तवे पे आप थोड़े से क्रिस्पी कर लें तो उसके बाद भी ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे पास ये तकरीबन 5 स्लाइस हैं, इनको मैं चॉप करके तो फिर मैं बताती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने चॉप कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे फाइन चॉप हो गए हैं हमारे, बहुत सॉफ्ट फ्रेश होममेड ये बनने लगे हैं ब्रेड क्रम्स। इनको अब मैंने इनको पहले नहीं क्रिस्प किया था तवे पे, मैंने अब ये मैं सॉस पैन में आपको करके बताऊंगी कि ये बिल्कुल बाजार जैसे ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं। तो ये देखते हैं, मैंने एक सॉस पैन लिया है उस पर मैं ये डालूंगी ब्रेड क्रम्स। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने 2 से 3 मिनट इनको मीडियम लो पे मैंने ये कर दिया है फ्राई, तो ये बिल्कुल बाजार के जैसे जो हमारे क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रहे हैं। बस 2 से 3 मिनट मैं इनको और फ्राई करूँगी तो हमारे ये बिल्कुल रेडी हैं। और आप यकीन करें इतनी अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी है। आप इनको कटलेट पे यूज़ कर सकते हैं, आप इनके वो नगेट्स बना सकते हैं, आप बेकरी की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कम टाइम में घर में बनने वाले ब्रेड क्रम्स। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे रेडी हैं, आँच हम बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो 3 से 4 मिनट मैंने इनको सिंपल फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने को ये क्रिस्पी बने हैं कि इनको ऐसे करें तो इनमें से जैसे वो आवाज़ आ रही है, इतने ये फाइन हमारे फ्राई हो चुके हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। तो अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।